गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही? नमस्कार नमस्कार भुवनेश्वर, या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो आप सबका डेटा मिल गया था, तो वो मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ पे। कुछ लोगों को मूव किया है लेवल 5 में, तो वो लोग हैं डैनियल, रमेश जी आपको और शांतनु। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने कल का डेट डाला है, तो कल से जो भी आप ट्रेड्स करेंगे उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, राइट सर। ओके, बाकी लोगों का भी मैंने डेटा अपडेट कर दिया है यहाँ पे। तो अभी दिख रहा है कि भरत आपका फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक 1। भुवनेश्वर जी आपका भी जो पहला ब्लॉक है वो कंप्लीट हो चुका है, 10 ट्रेड्स का यहाँ पे। तो पहले ब्लॉक का जो आपके 10 ट्रेड का था वो आपसे बात करके मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और अब जो सेकेंड ब्लॉक आप कर रहे हो उसमें फिलहाल जो आपने रिपोर्ट किया वो 30% रिटर्न है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, विपुल आपका भी कंप्लीट हो गया है पहला ब्लॉक, तो आप मुझे अपना रिटर्न ऑन कैपिटल बता देंगे? सर 22.86। 22.8, ठीक है सर। मेरा भी अपडेट कीजिए। हाँ बताइए। 38.9। 38.9, ठीक है। ओके, गिरीश, गिरीश क्लास में नहीं है, गिरीश का डेटा नहीं आया। ओके फाइन, सो वेरी गुड। आप तीनों के केस में भरत, भुवनेश्वर और विपुल, आपका फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया है और रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 12.5% से ऊपर है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 12.5% के हिसाब से किया था, तो आप तीनों का ही उसके ऊपर चल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ओके सर, अब ब्लॉक 2 में आप जो डिवाइड बाई 2 है उसको हटाएंगे, उसको हटा के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब सिवेरिटी ऑफ योर ट्रेड थोड़ा बढ़ जाएगी, थोड़ी सी और सीरियसनेस को बढ़ाना है। क्योंकि अभी तक क्या था कि आपके पास डीलेवरेजिंग बोल के एक हथियार था, तो आप अफोर्ड कर सकते थे कि गलतियों को करना, क्योंकि डिवाइड बाई 2 लगा हुआ था। जैसे ही वो डिवाइड बाई 2 हटेगा तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को 70% 60% के आसपास रखना पड़ेगा, इन केस आप ये ब्लॉक 2 का नंबर अगर सब्सटेंशियली पिछले हफ्ते से ज्यादा चाहते हैं, मतलब पिछले ब्लॉक से ज्यादा चाहते हैं, तो इस चीज को आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी तो ओवरऑल इज फाइन, देयर इज नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सर ब्लॉक 2 में कितना रिटर्न लाने का है? अगर डिवाइड बाय 2 को हटा रहे हैं तो इसका मतलब 25% मिनिमम होना चाहिए। ओके सर, ब्लॉक 2 में मिनिमम 25% होना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे ही ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे ये श्योर हो जाएगा कि आप जो डायनेमिक्स है ना मार्केट का उसको आप हैंडल कर पा रहे हो। उसके बाद जो तीसरा ब्लॉक करेंगे उसमें आपकी लेवरेजिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि हमको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका रिकॉर्डिंग होगा इस वाली जगह पे, दैट शुड बी हायर देन 25% फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर ब्लॉक 2। सिर्फ ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 का 25% से ज्यादा होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। उसमें ट्रेड कितना रहेंगे? 10 का ही ब्लॉक चलेगा अभी, 10 ट्रेड का चलेगा। जैसे आपका 15 हो गया ना अभी, तो एक्चुअली आपका 5 हो गया है 10 में से, क्योंकि ये वाला जो नंबर हमने डाला था वो पिछले हफ्ते का डाला हुआ है, जब आपका यहाँ पे काउंट 10 और यहाँ पे 0 था।
अभी इस हफ्ते का जो आपने भेजा है उसके हिसाब से 5 इंक्रीज यहाँ पे हुआ है और 1 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जी सर ठीक है? तो आपके पास और 5 ट्रेड्स हैं इस ब्लॉक 2 को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली आपको इसे मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन करना है इन द सेंस कि अगले 5 ट्रेड में ये 30 से बढ़ के आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए, जी सर ठीक है? चलिए, वेरी गुड, एक्सेलेंट जॉब। तो ओके, अभिषेक क्या ट्रेड्स था आपका? सर JSW और इंडसइंड। JSW एंड इंडस इंट, तो JSW में कुछ ऐसा दिखना शुरू हो चुका है। अभी इस वाले स्ट्रक्चर को देख के मुझे बता सकते हो कि इस वाली जगह पे अगर मुझे देख के बताना हो तो JSW का सपोर्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? सर 28 के हाई पर, 28th के हाई पर, एक के हाई पर, 1 1 मार्च। 1 मार्च इसके हाई पर, राइट? यस ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगता है कि इस वाली जगह पे ये नीचे गिरा है यस सर और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ इस वाले दिन पे, राइट? यस सर उसके आगे वाले दिनों पे आपको लगता है कि ये वाली जगह देखिए, इस वाले वॉल्यूम को ब्रेक करते हुए उल्टी दिशा में प्राइस चला गया है, यस सर सपोर्ट कंफर्म कर दिया। करेक्ट? तो आपको लगता है कि ये वाला जो एरिया है जहां पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, इस एरिया को इसने सपोर्ट में बदल दिया है, करेक्ट? यस सर वो सपोर्ट बना के और नया सपोर्ट और बना दिया। एग्जैक्टली। तो अगर अब मैं इस वाले को रेफरेंस मान लूं, राइट? क्योंकि इस पे गिरा है ना, मतलब देखो, एक रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है या फिर एक सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यस सर राइट? यू एग्री टू दैट, राइट? तो विच मींस कि अगर मैं इस वाले दिन को मान लूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस का एक तरह से फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद उससे भी बड़ा वॉल्यूम आकर के ये उल्टी दिशा में चला गया है, राइट? तो क्या हम कह यस सकते हैं कि ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है और ये वाला जो जोन है ये भी एक सपोर्ट जोन है? ये कैंडल है, राइट? इस कैंडल में जो विक्स होती हैं वो अनस्टेबल जोन्स होती हैं, राइट? यस सर हम हमेशा कहते हैं कि मान लो, अगर मान लो ये वाला कैंडल है, अगर प्राइस यहां पे है तो इसके बॉडी के अंदर जाकर के रिजेक्ट होके आ सकता है, राइट? उसी तरह से अगर प्राइस यहां पे है तो इसकी बॉडी के अंदर जाकर रिजेक्ट होकर आ सकता है, यस सर कहते हैं ना ऐसा। यस अब अगर इस वाले कैंडल का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है तो आपको लगता है कि ये इस लेवल के ऊपर खुला है? यस और नो, राइट? यस सर ये जब ऊपर गया था
क्या इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था इसने? नो सर, नहीं किया था, ठीक है। जो हालत आज रिलायंस की भी है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अगर इसको देखूं तो इस वाले दिन पे इसने एक क्लीन ब्रेकआउट देकर के यहां कहीं पे क्लोज नहीं हुआ, करेक्ट, इसके अंदर क्लोज हो गया। तो इस समय पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस 1, 2, 3, इन तीन लाइन की होगी ना, इसकी इतनी नहीं होगी। मानते ओके, राइट। अभी क्योंकि यहां पे क्लोज हुआ हुआ है तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये और ये वाला लाइन का होगा, राइट। अब अगर ये इस वाले लेवल के भी ऊपर खुल रहा है तो इसको सपोर्ट इस विग में मिलना चाहिए, राइट। ये सुनो, इसको जो सपोर्ट है वो इस वाले विग में मिलना चाहिए। देखो, पहला चीज है क्या, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं कि जब दिन में कारोबार चल रहा था तो मुझे इसका पता कैसे लगेगा। ओके, अब देखिए, अब सबसे पहले मैं इसी वाले मार्किंग को वहां पे कर देता हूं। मान लो इस वाले कैंडल का हाई कितना है, 291.45, ठीक है। ओके, दूसरा लाइन मेरा है ये वाला, इसका जो ओपन प्राइस होगा, ये यहां से वीक है ना सर। एक क्वेश्चन था, आप ये 27 की कैंडल को 28 की जगह 27 को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? 20 नहीं, इस दिन तो ये टूटा, इसको हाँ। तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा ना, लेवल अच्छा। कौन सा तोड़ा इसने, इस वाले को, ओके, ये वाला प्राइस लेवल टूटा ना यहाँ पे, ओके, ठीक है, इसलिए मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, ओके, ठीक है। अभी देखो, ये ओपन हुआ था 287.4 पे, चलो 287.4, तो ये वाली जगह है, राइट, ओके। अब मान लीजिए ये ऐसे ओपन हो गया ऊपर। अब जब ओपन हो गया है तो अब मुझे ये देखना है कि क्या इस लेवल के नीचे जाकर के ये पलटेगा ऊपर, यही देखना है ना मुझे, यस, करेक्ट, ओके। नाउ ये कल ऐसे करके ऊपर गया है, यस सर, ठीक है। जब ये ऐसे करके ऊपर गया है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला कैंडल इसका, इस वाले रन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये वाला कैंडल है, राइट, करेक्ट, करेक्ट, ओके। अब अगर ये वाला कैंडल है तो क्या ये जोन के अंदर है? आंसर इज यस, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस आ रहा है, करेक्ट, प्राइस कम्स हियर, ये ब्रेक कर गया है यहां से, इस वाले एरिया से ब्रेक कर गया नीचे, राइट, यस सर, इस वाले एरिया को भी ब्रेक कर गया, राइट। अब देखते हैं, अब इससे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आया और एक नया लो बना गया, am I right? यस सर, चलो, इसका मतलब अब तो लो दूसरा बन गया, ठीक है। अब जब लो यहां पे बन गया है, आपको लगता है कि यहां से ये ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, जैसे ये वाला जो लो बना था तो यहां से हायर हाई हायर लो नहीं बन रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे, यस सर, करेक्ट, यस सर, इसी तरह से यहां पे जब ये लो बन गया उसके बाद ये हायर हाई हायर लो नहीं बन रहा है, करेक्ट। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि ये लो था और इसको अब ऊपर जाना है, राइट, तो आप मानते हो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहां पे इसके लो को इसने तोड़ा था, वॉल्यूम बढ़ा था, राइट, यस, मतलब अगर एक इंटरमीडिएट मैं मतलब 5 मिनट के कैंडल स्टिक्स पे देखूं तो यहां पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, राइट, यस सर,
अब अगर ये मेरी रेफरेंस कैंडल है तो इसका मतलब है कि इस वाले जोन में सपोर्ट आना चाहिए ऊपर, मतलब ऐसे करके ब्रेकआउट करके ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए, राइट? एग्रीड? ओके, अब मान लीजिए कि अब ऐसा तो हुआ नहीं, उसके बाद एक लो बन गया, एक नया लो बन गया मान लो, ठीक है? अब जब ये लो बना है तो यहां पे टूटा है ये? यस सर। और वॉल्यूम भी बढ़ा है ना, करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा हुआ है, ये मेरा रेफरेंस है, तो प्राइस को इसके ऊपर जाकर के यहां सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहिए। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। एंड अगर आप मान लीजिए कि एक इसको यहां रखिए, एक इसको मान लीजिए यहां रखिए, ये वाला टूटा है ना आपका, ये वाली जगह आपकी टूटी है इसमें, करेक्ट? ये वाला एरिया yes. टूटा है ना, ये वाले yes. एरिया अगर टूटा है तो जब ये ऊपर जा रहा है, डिड इट एटलीस्ट ब्रेक दिस लेवल? यस सर। है ना, इट एटलीस्ट ब्रोक दिस लेवल, तो अच्छा चलो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो हो रहा है, राइट? जब ये ब्रेकआउट कर जाता है तो उसके बाद आप यहां पे एक पोजीशन को डेवलप करने की सोच सकते हैं ना इस वाले एरिया में। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब ये देखिए इस वाले एरिया को जब आप रेफरेंस मान रहे हो, ओके, इट डिंट ब्रेक आउट, ये बाहर नहीं गया है इस वाली जगह से, ये बाहर नहीं गया। अगर ये बाहर नहीं गया है पर इसने इसको टच किया है, वॉल्यूम बहुत हाई है, आपको क्या लग रहा है यहां पे रेजिस्टेंस नहीं बन गया होगा? चांसेस आर कि यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुई हो, यस और नो? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ना। पर ये इसको टच नहीं करता, अगर नहीं करता मान लीजिए टच, तो फिर ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे, योर पोजीशन बिल्डिंग मैटर्स, बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपका पोजीशन बिल्डिंग। अगर आपका पोजीशन बिल्डिंग मान लीजिए कि आज मार्केट ट्रेंडिंग था ऊपर होना चाहिए ना, उस लॉजिक के हिसाब से, मतलब इट शुड बी एट द इंट्राडे हाइज। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब मैं सबसे पहले ये जज करने की कोशिश करता हूं कि यार इंट्राडे हाइज बन रहे हैं या नहीं। ये वाला एरिया देख रहे हो, ये यहां पे पहली बार वॉल्यूम बढ़ा है, ये yes. वाला एरिया पहली बार वॉल्यूम बढ़ा है। जब ये वॉल्यूम yes, बढ़ा है तो ये वाली जगह है ना, यस राइट? अगर ये वाली जगह है तो इंट्राडे हाई इसके ऊपर का एरिया हुआ, इसके ऊपर वाला एरिया हुआ ना, हाँ या ना? इसके नीचे तो लो हुआ ना, हाई कहां पे हुआ? इसके ऊपर हुआ ना, राइट? अगर इंट्राडे हाई इसके ऊपर हुआ, इसका मतलब ये जो भी यहां पे कर रहा है इसको लौट के यहां जाना पड़ेगा ना एक बार, यहां पे ये कुछ भी करे पर इसको लौट के तो जाना पड़ेगा ना यहां इंट्राडे हाई पे, ठीक है? ओके। अब मान लो कि ठीक है, चलो ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ये पहला बार आपको लग रहा है कि बाई आ गया है, यस, ठीक है? ये सब आपको इंडिकेट करेंगे। अब जब ये वाला बाई आ गया है तो यहां से बाइंग हुई है ना, अब लॉन्ग बनने चाहिए, यस। इसका मतलब क्या है, ये टूटना शुरू हो जाना चाहिए ना अब,
राइट, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये यहां से टूटना शुरू हो जाना चाहिए, ये यहां तक गया, फेल हो गया। देखिए अब जब ये फेल हो रहा है तो क्या ये इसने एक फ्रेश इंट्राडे लो नहीं बना दिया दिन का? यस। सो व्हाट इज इट टेलिंग यू, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है इसमें? सेलर, सेलर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? सी, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना ट्रेड एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, पोजीशन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब ये यहां सपोर्ट लेवल पे चला गया, देखिए इसका यहां पे भी सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है, यहां पे भी सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है, आपको लगता नहीं है कि दीज वुड बी द एरियाज जहां पे कि आपको, मतलब अगर आप रिस्क लेते भी हो तो आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है? ये वाला जो एरिया है, मान लो, मान लो आपका यही वाला कैंडल है, यही है ना कैंडल, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है ना, छोड़ दो ये पुराना, ये इस वाले कैंडल का वीक है ना, आपको लगता है ना ये यहां पे आके टकराया, टकराने के बाद मान लीजिए, ये तो आपने सीखा है, मान लीजिए यहां पे टकराने के बाद यहां से हाई टूटना शुरू हो गए। देखिए हाई टूटना शुरू हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे बायर्स पड़े हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। अब जब बायर्स पड़े हैं इस वाली जगह पे, आपको सेलर्स मिल गए, पहली बार सेलिंग हो रही है ना इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको सेलर्स मिल गए, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे सेलर्स मिल गए तो ये यहां से सेल हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले कैंडल को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए ना, करेक्ट। ये वाले कैंडल को तोड़ के मान लीजिए ऊपर जाना चाहिए, चला गया, राइट ऊपर चला गया। अब जब यहां पे आ रहा है, कितना बज रहा है यहां, 3:15, आप इस पोजीशन को लोगे? नो सर, लेट हो गया है, क्योंकि अब ये इंट्राडे में वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि मार्केट क्लोज होने का समय हो गया, राइट? मेक सेंस? नाउ इसमें कितने तरीके के इंडिकेशंस थे? पहला मैक्रो पे इंडिकेशन था, राइट? पहला इंडिकेशन मैक्रो पे था आपको, जब आपने इस वाले एरिया को थोड़ा सा देखा कि ये टूट रहा है ना, टूट रहा है, नीचे टूट रहा है, फिर ऊपर पलटा, राइट? तो जब यहां पे पलटा, एक इंडिकेशन आपको मैक्रो पे है। माइक्रो में इंडिकेशन क्या है कि इंट्राडे हाइज, राइट, गैप अप हो रहा है, राइट right? इस वाली जगह से मान लीजिए ये स्ट्रांग खुल रहा है, ये गैप अप हो रहा है, तो अगर ये नीचे आ भी रहा है, तो ये अगर नीचे आ रहा है तो कहां तक नीचे जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल तक तो जा ही सकता है ना? जा सकता है ना, और अगर इसको नहीं जाना होगा तो उसका इंडिकेशन क्या होगा? ये बीच में से कहीं पलट के इस वाले इंट्राडे हाई के ऊपर एक इंट्राडे हाई बना देगा, करेक्ट? ठीक है, ऑलराइट। इसमें पहले सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस? स्ट्रांग खुल रहा है, पहले रेजिस्टेंस। ओके, मान सकते हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया, काइंड ऑफ। सर मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया। इसी को अप्लाई किया आपने? यस yes, सर। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो सपोर्ट बनेगा, मान लो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, इस तो पहले बन गया, चलिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया, राइट? इस वाले एरिया की बात कर रहे हो? हाँ यस सर। राइट, तो मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया, तो yes, sir. ये आपका सपोर्ट लाइन, करेक्ट? yes, sir. ये आपका सपोर्ट लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन। अब क्या होना चाहिए, इसको ऊपर तोड़ना है ना, इट हैज टू ब्रेक। हाँ, अब इसको ऊपर तोड़ना है,
अब ये ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पे आपका सपोर्ट कंफर्म हुआ यहाँ पे इस वाली जगह पे, राइट? मान लेते हैं कि आपका सपोर्ट इस वाले एरिया में कंफर्म हुआ, ये हाई इज 9160, दिस क्लोज इज 9160, ठीक है? अब अगर सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ है, अब एक सेलिंग आकर के बाइंग आ जाएगा? यस सर। ओके, अब मान लेते हैं कि सेलिंग आपका यहाँ पे आ गया, राइट? यस सर। आपको लगता नहीं ये जोन से बाहर चला गया? ये फ्राइडे को भी बताया था मैंने, फ्राइडे मतलब जब भी लास्ट क्लास था, मंडे या जो भी था, आपको लगता नहीं ये जोन से बाहर चला गया? यस सर। ओके चलो, अब अगर ये जोन से बाहर चला गया है तो इज इट एडवाइजेबल? सर लेकिन आगे जाके उसने कंसोलिडेशन जोन के अंदर बना दिया। हाँ कोई बात नहीं, ये सेलिंग यहाँ पे आ गया ना? जी सर। ठीक है चलो, अब मान लेते हैं कि अंदर चला गया, आपको लग रहा है अब ये ऊपर जाएगा, दनादन ऊपर जाने लगेगा, राइट? चलो ये अब अंदर घुस गया। हाँ सर। अंदर घुसने के बाद पहला सेलिंग यहाँ पे आ गया। सर वो अंदर घुसा था वहीं पे कंसोलिडेशन बन गया था ना? रुको ना एक मिनट, अब जब ये अंदर घुस रहा है, ये एक बार जोन से बाहर चला गया, अब ये अंदर घुस रहा है ना, पुश कर रहा है अंदर। ओके ओके। अब ये अंदर पुश कर रहा है, अब अगर अंदर पुश कर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो बिकना शुरू होगा ना ये। ओके। आप ब्रेक इनसाइड कर रहे हो ना आप? ये सुन लो, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इनसाइड। अरे ये सपोर्ट से नीचे गिर गया है, आप ऊपर की तरफ इसको ट्रेड करना चाह रहे हो तो क्या कर रहे हो? ब्रेक इनसाइड ही कर रहे हो ना एक तरह से, कि यहां से इस सपोर्ट लेवल से इनसाइड ब्रेक होकर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाएगा। यही है ना आपका हाइपोथेसिस, राइट? जब जब ये वाला हाइपोथेसिस है तो ये मान लीजिए कि यहां से टूटा है, यहां पे इसने लो बनाया, मान लीजिए इस लो का वॉल्यूम यहां पे इस वाली जगह पे, राइट? अब क्या होगा, ये पलट जाएगा, पलट जब जाएगा तो एक बड़ा वॉल्यूम आएगा ना इससे, 123, 131 आ गया, 11 बजे यहां पे है। अब ये इस कैंडल को दन दनाते हुए ऊपर तोड़ देना चाहिए ब्रेक इनसाइड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके। टूटा ऊपर? नो सर। नहीं टूटा, चलो ये भी फेल हो गया। अब मान लीजिए कि चलो इसका ध्यान नहीं रखना है हमें, अब जब ये अंदर टूटा था, अब ये वापस अंदर बाइंग की तरफ जा रहा है ना, बाइंग की तरफ का मतलब सेलिंग जैसे ही आएगी उसको डिफीट करते हुए दन दनाते हुए ऊपर निकल लेगा, राइट? दैट इज व्हाट इट शुड डू, कि जहां पे भी सेलिंग आएगी उस सेलिंग को ये डिफीट कर देगा पूरी तरह से। यहां पे सेलिंग आ गई? यस सर। ये तो डिफीट ही नहीं कर पा रहा है। अब ये लेवल समझ में आ रहा है आपको? ये तो डिफीट ही नहीं कर पा रहा है। अभी क्या होगा, इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा ऐसे करके, ऐसे टच करेगा और सटाक से ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए ना? यस सर। हो रहा है ना सर? ठीक है चलो, ये नीचे भी आ गया, अभी भी चलो उम्मीद बाकी है कि अब शायद घूम जाए, नहीं घूम रहा है, जोन को ही छोड़ के निकल गया वापस। इंट्राडे के देखो इसमें फ्रेश लोज बन रहे हैं। यस सर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर इंट्राडे के फ्रेश लोज बन रहे हैं तो आपका अगला एरिया कौन सा है? इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, अब आपका अगला एरिया तो यही वाला कैंडल होगा ना? यस सर। यस सर। राइट, आपके भी तो एरियाज है ना, मतलब कहां पे मैं एक्टिव हूं, कहां पे मैं एनालाइज करूं चीजों को। अब जब देखो इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे 11 बज चुका है, राइट? उसके बाद ये इंट्राडे के फ्रेश लोज बनाता जा रहा है, अब कोई पॉइंट है इसमें मतलब टाइम वेस्ट करने का? देयर इज नो पॉइंट। अब आप इंतजार करो कि यहाँ पे आ जाए, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यही हुबहू यही वाला डिसीजन यहाँ पे ले लेते तो हो भी जाता शायद, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो सी आई एम अगेन सेइंग, पॉइंट नंबर वन, पोजीशन बनाना इज नॉट
ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड इज ट्रेडिंग. ओके सर, मैं सपोर्ट पे कहना चाहता हूँ सर, जब वो अंदर घुमा था ना सेल ऑफ होके, कौन सी जगह पे? तो वहां पे कंसोलिडेशन कैंडल बनाया था, इस वाली जगह पे ना, यहां से जब अंदर घुसा है. हाँ सर, आपके लिए कंसोलिडेशन कैंडल मतलब ये ग्रीन वाला, राइट? हाँ वो बड़ा ग्रीन. हाँ यस करेक्ट. तो जब वो कंसोलिडेशन कैंडल ब्रेकआउट हुआ और हायर हाई बन गया, तो फिर मैंने उस कंसोलिडेशन कैंडल के हाई पर ट्रेड लगा दिया. ठीक है, तो आप समझ गए ना कि अगर जोन छोड़ के जाता है तो परहेज करो. वो मैंने ध्यान रखा था, लेकिन सर कंसोलिडेशन कैंडल अंदर बन गया था ना, तो मैं सोचा हाँ कोई फिर बात नहीं. बन सकता. देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर आप तो फोरकास्टिंग कर रहे हो ना. यस सर. जब तक आपका चेकलिस्ट ही मैच नहीं करेगा, देखो ये सब कुछ अगर होता उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं कहता जेन्युइन है. ओके देखो यू विल ऑलवेज हैव टू कीप अ 10 to 20% एरर मार्जिन, मतलब 80% का एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं. ठीक है, 80% का एक्यूरेसी लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं. ठीक है, तो उतना एरर का मार्जिन तो आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, विच इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. पर मेरे लिए ये जेन्युइन स्टॉप लॉस है ही नहीं, ये केयरलेसनेस है. ओके ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपका ये वाला जोन जब ये छोड़ के बाहर जा रहा है तो शॉर्ट बनता है. ठीक है, और आज मार्केट क्या थी? लॉन्ग ना. यस सर. तो आप शॉर्ट तो करोगे नहीं? नो सर. ठीक है, तो आप इसको छोड़ दोगे. अब आप ये बोलोगे कि ठीक है, अब देखो अगर मैं गलत भी हूं तो क्या होगा, इस हाई को तोड़ देगा ना ऊपर, यही तो होगा और क्या होगा, हाई तोड़ देगा ना ऊपर. तो आज तो मार्केट ट्रेंडिंग है, इंट्राडे हाई पे भी तो ट्रेड लगा सकता हूं, नहीं क्या? ओके. आज का प्री ओपन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन था? VDL, राइट? यस सर. VDL गैप अप हो रहा है. यस सर. ठीक है, भयंकर तरीके से गैप अप हुआ. अब देखो ये रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा ना, राइट? यस सर. अब जब रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, इस वाले एरिया में इसने कंफर्म किया कि रेजिस्टेंस है, राइट? अब अगर इस वाले एरिया में रेजिस्टेंस है तो आप कहीं ना कहीं पे इसमें सपोर्ट आ जाएगा किसी ना किसी जगह पे. मान लेते हैं वो सपोर्ट यहां पे आ रहा है, करेक्ट? क्या इसने इस लेवल को तोड़ा है नीचे? नो सर. ये कौन सी डायरेक्शन में गया? ऊपर की ना, अपसाइड है ना. मतलब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया. आप जिसकी बात कर रहे हो, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया या सपोर्ट को ब्रेक किया? हाँ, आपका रेजिस्टेंस ब्रेक किया या आपका सपोर्ट ब्रेक किया इसने? सपोर्ट को ब्रेक किया. आपको लगता नहीं कि उल्टी चीज हो रही है? गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए आप जिस चीज की बात कर रहे हो, इसमें ये सपोर्ट फॉर्मेशन, सपोर्ट मान लीजिए कॉन्फर्मेशन यहां हो रहा है. अब अगर सपोर्ट का कॉन्फर्मेशन यहां पे हो रहा है तो एक जगह कहीं पे सेलिंग आएगी इसमें. अब मान लेते हैं वो सेलिंग आपकी यहां पे आ गई, इस वाले एरिया में, ये वाला कैंडल है, ये बाहर नहीं है लेवल के. ओके ओके. ये देखो ये जो कैंडल है ये बाहर है. ओके. ठीक है, तो इसका मतलब
इसमें जो मूव होना था वो हो चुका है, अदरवाइज वाई विल इट कंसोलिडेट? एक रेंज के बाहर कंसोलिडेट होने का कोई लॉजिक नहीं होता, राइट? ओके, एक कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि रेंज में गया, रेंज में जाने के बाद उसने अपना काम कर दिया, एक कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन बनाने के बाद अब ये आपके हाई को या फिर लो को तोड़ने वाला है, ओके, ठीक है ना? तो डोंट ट्राई टू पुश फॉर स्टॉक्स जो आपके मेथड को ही वायलेट कर दें, ओके, ठीक है? आप उस स्टॉक के लिए जाइए जिसमें कि सारी परिस्थितियां आपके फेवर में है, राइट? तभी तो विनिंग ट्रेड हो पाएगा आपका, यस सर, ठीक है? सर, इसका मतलब है कि एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज बनने के बाद जो भी सेलिंग या बाइंग का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रेंज के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, वो रेंज के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आप इंतजार करो ना उसके एक्चुअल सपोर्ट पे जाने का। अब जैसे JSW स्टील में अगर आप देखो, इट डिडंट वर्क आउट हियर, राइट? इट इज टेलिंग यू दैट इट इज फॉलिंग डाउन। नाउ इफ इट इज फॉलिंग डाउन, वेयर कैन इट स्टॉप? इट कैन स्टॉप एट द इंपॉर्टेंट कैंडल ऑफ यस्टरडे, यस, राइट? अब वो वहां पे आपको दिखाएगा कुछ सिम्टम्स कि इसको जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, राइट? अगर ऐसा भी नहीं होता है तो इसका मतलब फिर अगला लेवल क्या है? लो, लो को तोड़ेगा। पर ये गैप अप होके अगर लो को तोड़ता है तो बियरिश एंगल्फिंग का खतरा रहता है, राइट? यस सर। तो अगर बियरिश एंगल्फिंग हो जाती है तो वैसे ही टच नहीं करेंगे हम उसे, करेक्ट, राइट? क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो कल जाएगा, आज नहीं जा सकता, यस सर, ठीक है ना? तो इन सब फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है। इंटरडे है इसलिए बोल रहा हूँ, पोजिशनल होता तो इतना मुश्किल नहीं है। हेलो सर, इसका मतलब वो रेंज अगर टूट जाता है, रेंज टूटने के बाद अगर वापस वो पलटता है तो फिर से हमें नया वो सेलिंग और बाइंग देख के फिर उसको आगे एनालाइज करना है। हाँ, मतलब अगर आप इसमें शॉर्ट जाना चाहते हैं तो फिर तो चलिए, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर आप इसमें शॉर्ट जाना चाहते हैं तो ये फिर भी आपके हाइपोथेसिस को मैच करता है, पर अगर आप इसमें लॉन्ग जाना चाहते हैं तो हाइपोथेसिस को मैच नहीं करता है, अनलेस ये यहां से पलटे या यहां से पलटे या फिर और किसी सिग्निफिकेंट एरिया से पलटे, ओके, है ना? क्योंकि इसने ये जो आज का लेवल बनाया है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ओके, इट इज नॉट रिस्पेक्टिंग इट। सर, आज का लेवल मतलब ये जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, ये तो आज का रेजिस्टर, आज का लेवल है ना? हाँ, ये फ्रेश लेवल बनाया है ना, ये तो कल एग्जिस्ट नहीं करता था, ये तो आज बना मार्केट ओपन होने के बाद, तो उसको वो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो सर जो सेलिंग हमने लेवल के नीचे जो कंसिडर करी थी वो वापस पलटने के बाद नई लेवल, नई सेलिंग कंसिडर करनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा देखो, इतने इंडिकेशंस हैं, इतने तरह के, मतलब यू गाइस नो सो मच नाउ। अब देखो यहां से ये टूटा नहीं है, मतलब ये ऐसे करके टूटा है, पहला कैंडल है जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है और लो तोड़ रहा है। अब अगर ये लो तोड़ रहा है इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है इस वाली जगह, राइट? अब अगर यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो अब इसको इससे भी ज्यादा वॉल्यूम से पलट जाना चाहिए ना, हाँ या ना? इससे भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसने जब इस कैंडल को तोड़ा है तो इतने वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, राइट? अब क्या होगा, पलट जाएगा ना यहां से, इससे भी बड़ा वॉल्यूम आएगा और लोग खरीदते हुए निकल जाएंगे दनदनाते हुए से, राइट? अब जब ऐसा होगा तो ये आपका रेफरेंस है ना, ये इसको बेचा है ना इसने, यहां से गिरा है ना नीचे, तो इसका मतलब है जो सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा वो इस वाले विग में होगा, अपर विग में होगा ना। देखो लॉजिकली समझो चीज को, इसका मतलब ये है कि इस समय प्राइस कहाँ है, इस वाले कैंडल के नीचे है। आप अगर बाइंग का मन बना रहे हो तो इसका मतलब प्राइस को तो इसके ऊपर जाना है ना, तभी तो आपका बाइंग सक्सेसफुल है, नहीं तो उसको सबसे बड़ा हर्डल कौन सा मिलने वाला है, ये वाला कैंडल, ये वाला प्राइस पूरा।
ये पूरा प्राइस उसको एज अ हर्डल मिलने वाला है, मतलब उसको इस पूरे प्राइस को तोड़ करके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, फिर जाकर के ये वाला जो वीक है उसके लिए सपोर्ट बनेगा। लॉजिकली समझो पहले इस चीज को, राइट? अब से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखो ये पहली बार यहां पे वॉल्यूम बढ़ा था, राइट? उसके बाद मान लेते हैं ये दूसरी बार वॉल्यूम बढ़ा है, ये वाला, हाँ या ना? Yes. अब जब ये वॉल्यूम बढ़ा है, क्या इसने हाई लो कुछ तोड़ा है? इसका कुछ भी नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, राइट? अब ये वाला एरिया देखो, ये और ये, राइट? ये और ये, इसमें वॉल्यूम बढ़ा है ना इन दोनों में? Yes, sir. जब इसमें वॉल्यूम बढ़ा है तो इसने इसको तोड़ा है ना, इस वाले लेवल को? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बना? सपोर्ट। Yes. जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे सपोर्ट बन गया जब इसने इसको ऐसे करके तोड़ा। अब क्या खतरा है कि कहीं यहां रेजिस्टेंस तो फॉर्म नहीं कर देगा, राइट? कि कहीं यहां पे रेजिस्टेंस तो नहीं बन जाएगा। अब अगली कैंडल देखो नीचे टूट गई, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इस वाले एरिया को मार्क कर दिया, यहां पे वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, आया ना? Yes. इस वाले से इनका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, ज्यादा है ना? Yes. Yes. इसका मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूम इस लाइन के नीचे बढ़ रहा है तो इसने इसको रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं कर दिया, राइट? पहला रेजिस्टेंस यहां बना है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे बन रहा है, तो ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? मतलब सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस बना दिया। हाँ, क्योंकि उसने कन्वर्ट कर दिया, एक सपोर्ट बनने की जो अपॉर्चुनिटी थी यहां पे, उसको देखो ना, यहां पे इसने रेजिस्टेंस बना के रख दिया, यस सर, राइट? ये पहला रेजिस्टेंस बना, दूसरा सपोर्ट बनना चाहिए, राइट? सपोर्ट बना यहां पे, सपोर्ट बनते ही उसने थोड़ी देर में उसको रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर दिया। तो yes, इसका sir, मतलब yes, क्या है, आपके पूरे हाइपोथेसिस को गड़बड़ा दे रहा है ये, यस सर, राइट? तो yes, मतलब सी अभिषेक, अब घुसना है इसके अंदर, नरेशन yes, जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ आपको आता है, इनको सिलना है आपस में, ठीक है? yes, sir, yes. देखो ट्रेड तुम अगर 2 दिन एग्जीक्यूट नहीं भी करोगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर 2 दिन स्पेंड करके आप नरेशन को स्ट्रांग करते हो तो दैट इज गोइंग टू पे यू बैक, आपको फायदा करेगा वो, ठीक है ना? तो यू हैव, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम वही चीजों को, वही कॉन्सेप्ट्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और अभिषेक, एक चीज बहुत हेल्प करेगा तुमको, मतलब टेक इट एज अ सजेशन, विच इज, तुम जब भी कुछ करने का सोच रहे हो, मान लो तुमने जेएसडब्ल्यू स्टील ही उठाया है, ठीक है? ओके, तुम तुम्हारा हाइपोथेसिस मान लो लॉन्ग है उसमें, तुम अपने लॉन्ग को, मतलब कंफर्म ट्रेंड को 2-3 मेथड से करो, ओके, एक मेथड से मत करो, ओके, ठीक है? आप मल्टीपल मेथड से करो, उससे okay. क्या होगा कि आपका डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ आएगा, यस सर, यस, ठीक है? उसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है ना कि 10 की जगह 2 ही ट्रेड करोगे, जिसको करोगे उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी, ठीक yes, है? देखो आई एम नॉट वरिड, मतलब इफ आई लुक एट योर स्कोर कार्ड, आपका 5 पॉइंट कुछ है ना? यस सर, यस, 5 पॉइंट कुछ है ना? आई वुड हैव बीन वरिड अगर आपका 4 के नीचे होता, 3-3 होता, ठीक okay. है? अगर ये नंबर 3 या 4 के बीच में होता, आई वुड हैव बीन वरिड, आप 5 में हो, 5 से 7 में जाना मुश्किल नहीं है अभिषेक, ओके okay. आप खुद देखो 31 ट्रेड्स 14 स्टॉप लॉस, ठीक है? आज तक का शायद आपका टैली रहा होगा 31 ट्रेड्स 28 स्टॉप लॉस, राइट? पहले का राइट? इंप्रूवमेंट नहीं है, है, पर ये मतलब इसको करियर बनाने जितना नहीं है, यस सर, यस सर, ठीक है? तो
मेहनत करो, यहाँ पे दो तीन मेथड्स यूज करो, यही है और तो कुछ है नहीं इसके अलावा, उससे आपका डिसीजन मेकिंग अपने आप ही स्ट्रेंथन होता हुआ चला जाएगा आपको। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हाँ कहिए। सर मैंने आज सन फार्मा में ट्रेड लिया था, तो मैंने उसके सिग्निफिकेंट लेवल पे ही उसको बाय करा था नीचे आने पर, तो सही था सर वो? देखो था तो सही, पर अभी क्या है कि देखिए, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा ये रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये यूएसडी आईएनआर का पेयर है। ओके, तो मेरा नेट स्लो चल रहा है, दिखने का। अच्छा अभी दिख जाएगा सर, स्क्रीन बहुत लेट आ रहा है। स्क्रीन लेट आ रहा है क्या? आप सभी को लेट आ रहा है क्या? हाँ सर, मेरे को लेट आ रहा है। करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। फिर वो थोड़ा सा डिले होगा आपके यहाँ, क्योंकि मुझे तो 40 Mbps दिख रहा है, तो 40 Mbps तो काफी स्पीड होता है हमारे, होगा नहीं स्लो। ओके, तो अब जैसे ये यूएसडी आईएनआर का पेयर है, आपको ये गिरता हुआ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डॉलर वीक हो रहा है और रुपया स्ट्रांग हो रहा है। जी सर। ठीक है, मतलब ये अगर गिर रहा है का मतलब है कि यूएसडी इज गेटिंग वीकर एंड इंडियन रुपीज ऑन द कॉन्ट्री इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जब ऐसे हालात आपको दिखने लगे, आप वो कंपनीज जो अपना माल बाहर बेचती है, अमेरिका में बेचती है, मतलब इंडिया के बाहर बेचती है, उसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दूर रहिए, आप इस समय डोमेस्टिक कंपनीज में फोकस बढ़ाइए जो माल को यहां बना के यहीं बेचते हैं, क्योंकि रुपया स्ट्रांग हो रहा है ना। राइट, तो जो अपने माल को यहां पे बना के यहीं पे बेचते हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए। अब जैसे आपके इसमें देखो, सर एमएनसी को कैसे बिल करेंगे? किसको? एमएनसी। एमएनसी तो इज मल्टीनेशनल कंपनी ना, मल्टीनेशनल का मतलब उनके ऑफिसर्स इधर उधर। यूएस डॉलर से कुछ रिलेशन है उसका, कोरिलेशन? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं। उसको ये इस तरीके से देखना पड़ेगा कि वो जो माल बनाती है उसको बाहर बेचती है या इंडिया में बेचती है। ओके, ठीक है, तो भुवनेश्वर जी वैसे ठीक है, इट इज ओके, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो फार्मा वाले हैं इनमें एक करेक्शन, करेक्शन इन द सेंस रिट्रेसमेंट आ सकता है। दूसरी चीज, फार्मा सेक्टर के अंदर आप लूपिन स्टॉक को देखना, लूपिन में अभी तक रन हुआ नहीं है। अगर वो रन करता है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत हेल्दी मिलेगा। देखो भुवनेश्वर जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहां पे ज्यादा ट्रेड करके वो नहीं करने आए, हमको क्वालिटी ट्रेड करना है, मतलब हमें वो ट्रेड करना है जिसमें कि प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा हो, है ना। तो अगर प्रॉफिट पोटेंशियल वाले मुझे महीने के 10 ट्रेड भी मिल जाते हैं अच्छे, उसमें से मेरे 8 भी सक्सेसफुल होते हैं, पर उनमें मुझे मतलब मान लीजिए 2-2% के टारगेट्स मिलते हैं या उस टाइप का होता है, तो वो मेरे 50 ट्रेड के मुकाबले अच्छा है ना, जिनमें मुझे कम कम पैसा मिले, क्योंकि मेरा रिस्क एक्सपोजर बहुत बढ़ जाएगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मेरे एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से तो आपका ट्रेड सही है, कोई इशू नहीं है, बस उसको थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली भी अलाइन करने लगो आप, तो आपको लॉन्ग रन में फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। ट्यूसडे को है ना हीरो मोटो एंड आईबुल हाउसिंग फाइनेंस,
मेरे पिक लिस्ट में था, मैं वॉच भी कर रहा था लेकिन सर कैच नहीं कर पाया। हाँ, और बहुत क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल बहुत से अच्छा ये, परफॉर्मेंस। हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और वो इसलिए भी था। हमेशा याद रखिए, ऑटो के नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ये जो एक तारीख होती है ना, ये ऑटो नंबर्स रिलीज होने के होते हैं। ये सिर्फ आपको ऑटो सेक्टर में ही मिलेगा। ये जितनी ऑटो कंपनीज हैं उनके नंबर्स जो हैं वो एक तारीख को रिलीज होते हैं। एक तारीख को रिलीज होने पे आप हमेशा ये देखने की कोशिश किया करो, और ये आप हर महीने कर सकते हो, इट्स अ श्योर शॉट, आपको दो ट्रेड्स मिल जाएंगे इसमें हर महीने पहले हफ्ते के अंदर। ठीक है, उसमें आपको करना ये है कि एक तारीख को नंबर आ जाने दो पहले। जब नंबर आएगा ना, तो आप ऑटो सेक्टर में ये देखने लगो कि क्या किसी का डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, अब दो तरीके के स्टॉक्स हैं, टू व्हीलर्स एंड मल्टी, मतलब फोर व्हीलर्स। एक टाइप का स्टॉक है जो कि है आपका, जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, जो लेस देन फोर व्हील्स है, राइट। और आपका ये हो गया टीवीएस मोटर टाइप के जो हो गए, ठीक है। देन यू हैव फोर व्हीलर्स, राइट, उसमें मारुति हो गया, M&M हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब हो गया। फिर है ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, राइट, उसमें आपका कौन आ गया, अशोक लेलैंड आ गया, राइट। फिर ये आ गया आपका आइशर मोटर्स आ गया, राइट। आप देखो कि किसमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और वो ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड क्या फॉर्मुलेट कर रहा है, ठीक है। जिसमें मूवमेंट हो गई उसको छोड़ दो, उसने तो आपको बताया कि क्या हो रहा है, राइट। उसको पकड़ो जिसमें मूवमेंट नहीं हुई है, और वो उसी सेगमेंट का है, उसी सेगमेंट का है। हाँ, जैसे फोर व्हीलर, फोर व्हीलर का है, मतलब मान लो मारुति जा रहा है ऊपर, M&M दबा पड़ा है, राइट, तो इसका मतलब M&M को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होगा, क्योंकि ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है ना। ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है तो कम मतलब क्या है कि अगर मारुति ऊपर जा रहा है तो यार M&M में जो शॉर्ट बैठे हैं वो भी घबरा जाएंगे ना एक बारी को। थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर जाएगा तो अपनी पोजीशन को काट देंगे, है ना। तो आपको सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का 1-1.5% मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर 1% मिल गया तो 2.5% तो बहुत हो गया आपके लिए, yes, है ना, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। yes, तो मैं हमेशा मान के चलता हूं कि देखो, आपको डिसिप्लिन इंड्यूस करना है। मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि 50 स्टॉक है मेरे निफ्टी 50 में, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर मैं किसी भी मैकेनिज्म को लगाऊं, और मान लीजिए एक ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में मुझे श्योर शॉट ट्रेड मिलना होता है जब ऑटो नंबर आते हैं, तो मेरे दो ट्रेड्स तो इसके पक्के हो गए, ठीक है। फिर मैं डॉलर को मॉनिटर करता रहता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं जब डॉलर को मॉनिटर कर रहा हूं, और मैं ये देखता हूं कि डॉलर जो है वो मंथली हाई के ऊपर चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर महंगा हो रहा है ना, मतलब US इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, विच मींस दैट द IT स्पेंड्स विल इंक्रीज। इसका मतलब हाँ, IT फार्मा स्पेंड्स विल इंक्रीज, विच मींस मेरे श्योर शॉट 1-2 ट्रेड्स तो इनमें से आ गए, एक्सपोर्ट वालों से, ठीक है। फिर आपका आ गया डोमेस्टिक्स। डोमेस्टिक्स में क्या होता है कि आप ये देखिए कि तेल का भाव, जैसे ये तेल है, राइट, तेल मंथली हाई तोड़ता है क्या, या मंथली लो तोड़ता है क्या? अगर ऐसा होता है तो मेरी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे एशियन पेंट्स इंडेक्स में है ना, निफ्टी 50 के अंदर, yes, उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड है, okay, ठीक है। पेंट क्रूड से बनता है, राइट, क्रूड का ही डेरिवेटिव है, मतलब एक बाई प्रोडक्ट है उसका, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसका। तो अगर क्रूड सस्ता होगा तो उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, okay. उसके बाद आपको इन्फ्लेशन डेटा आता है, राइट, जब इन्फ्लेशन डेटा आपको आ जाता है तो आपको ये पता लगता है अगर इन्फ्लेशन कम है तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, राइट,
तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, इसका मतलब है आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी जो कंपनीज हैं उनमें एक आधा ट्रेड मिल जाएगी मुझे, ठीक है। फिर हो गया आपका जो बैंक रिव्यू होता है, या फिर बैंक निफ्टी को ही देख लूं, बस बैंक निफ्टी यहां से खोल के देख सकते हो ना, जैसे ये इंडाइस है, जैसे हम इंडाइस को स्टॉक करते हैं, निफ्टी 50 को के पीछे पड़ जाते हैं। अभी कहां चला गया निफ्टी 50? 11,000 पॉइंट, 11,000 पॉइंट तोड़ लिया ना उसने। Yes, और ये हमने अनुमान कब लगाया था? जब वो गिर रहा था। Yes, राइट। कि मोस्ट लाइकली, क्योंकि अभी ये रिट्रेसमेंट लेग में है और अब ये मेन लेग में जा रहा है ना, ऐसे करके अनुमान लगाया था। एग्जैक्टली सेम चीज को आप बैंक निफ्टी में यूज करो, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी, ये कैश मार्केट चार्ट है, ठीक है, फ्यूचर्स नहीं है। फ्यूचर्स नहीं करना है कभी, हमेशा कैश मार्केट चार्ट देखना है। मान लो ऐसे गया, फिर मान लो रिट्रेस हुआ, ठीक है। रिट्रेस होने के बाद यहां से हायर हाई बनाना शुरू कर रहा है ना, तो ऐसे गया, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ दिस थिंग, कि मतलब अभी मेन लेग में है। अब मान लो यहां से रिट्रेसमेंट लेग, मतलब ये वाली जो जगह थी रिट्रेसमेंट लेग की थी, और यहां कहीं पे आपको कंफर्म हुआ कि मेन लेग शुरू हो गया, आपको लगता नहीं इसी के बाद इंडसइंड बैंक ऊपर गया, इसी के बाद एक्सिस बैंक ऊपर गया था? ये सुनो, कोटक में भी मूवमेंट इसी के बाद आया, आया ना? Yes. इन्हीं तारीखों के आसपास में है सब कुछ। तो यूल हैव टू बी एन ऑपर्चुनिस्ट, राइट, व्हेन इट कम्स टू दिस जॉब। तो आप हमेशा अपने टारगेट्स को डिफाइन करके रखो कि यार मुझे दो ट्रेड बैंक में करने हैं, दो ट्रेड मुझे ऑटो में करने हैं, दो ट्रेड मुझे आईटी में करने हैं। अब वो इस तरीके से मेरे को अपने स्टॉक को पकड़ना है, इस तरीके से उसमें ट्रेंड को देखना है, और इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इंडेक्स का, जैसे इस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप इंडेक्स का डेटा नहीं देख सकते हो कैश मार्केट का, राइट, मतलब बहुत कम इसमें वो है ना। अब मान लो कि अगर ऑटो का देखना है तो देख सकते हो, जैसे यहां से आपने ऑटो को ऐड कर लिया, ये देखिए दो सेक्टर्स नहीं है, बाकी सभी है। तो मान लीजिए ये ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा है, और मान लीजिए यहां से पलटा है। मैंने क्या बोला था कि मार्केट के साथ सेक्टर को मैच कीजिए। जब ये ऐसे गिर रहा है तो ये मार्केट डायरेक्शन को मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। और जब ये पलटता है तो ये रिट्रेसमेंट लेग में है पर ऊपर जा रहा है, और मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो दोनों मैच कर जाते हैं ना, आया ना? ओके। मैंने क्या बोला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का लेग कौन सा चल रहा है और वो कौन सी दिशा में है। जैसे ही मार्केट का लेग पॉजिटिव में आएगा, आपको लगता नहीं ये सारी मूवमेंट जो है वो उसके बाद की है? यस। ये देखिए यहां पे था ना, यहां से पलटना शुरू हुआ था ना 20 तारीख से, ये ऑटो है ना, ये देखिए 15, ये देखिए 20 तारीख यहां पे है ना कहीं पे, ये देखिए इसने भी ज्वाइन किया, देख लो। Yes. ये और मार्केट का डायरेक्शन मैच कर गया आपस में। Yes. ठीक है। अब अगर किसी का लेग अभी भी ऐसा चल रहा है तो उसको तो लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकते ना, ठीक है। उसी तरह से इसी को तो 3G एनालिसिस बोलते हैं। यस यस। कि आप ट्रेंड्स को आपस में मैच करो और yes, उसकी दिशा में ट्रेड करो, okay. है ना। फिर
फिर आपको ये जेएसडब्ल्यू टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये नहीं आएंगी। इसी तरह से उसके अंदर के स्टॉक को देखना है। हाँ ओके ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो आप आईटी को देख रहे हो यहाँ से, ठीक है, अब ये आईटी का कैश मार्केट है, अभी आईटी का कैश मार्केट है। अब आईटी का कैश मार्केट हमको क्या बता रहा है? हमको ये बता रहा है कि अच्छा ये ऐसे करके गया, यहां से इस वाली जगह से ये पलटने लगा है। अब यहां पे हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस नजर आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया डॉलर, यस ठीक है, उसका रीजन है, राइट यस। तो इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और वो सब आपके नजरों के सामने है। कहीं आपको इधर उधर फाइल खंगालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके सामने ही चल रहा है। देखो डॉलर यहां से लो तोड़ा है, 28 तारीख है, आईटी 28 तारीख को लो तोड़ा है, राइट देख लीजिए। मतलब इससे ज्यादा और मतलब क्या हमको इंडिकेशंस मिल सकते हैं? यस सर करेक्ट है ना। इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। जितना इन्फॉर्म ट्रेडिंग करेंगे उतना हमको फायदा होने वाला है इसमें। ठीक है चलिए, वेरी गुड। सर एक बार एसबीआई को देख लीजिए प्लीज। 5 तारीख को अगर हीरो मोटो में ट्रेड बनता तो सर किस तरह बन पाता हूँ? हीरो मोटो में ये देखिए आप, लेट्स सी एक मिनट, इसको पहले मैं थोड़ा मैक्रो में एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद बताता हूं। ओके देखो, आपको लगता है ये एक लेग चल रहा था राइट, व्हेन इट वाज फॉलिंग इस वाली जगह तक फॉल किया, इंक्रीज हुआ, ये देखिए ऐसे हो गया राइट, टूटा। उसके बाद इस वाली जगह पे जब टूटा है तो वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस हो गया है राइट, इस वाले एरिया में राइट। अब देखते हैं यहां पे और यहां पे वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, यस और नो? यस यस। जब ये वॉल्यूम बढ़ गया है, इज इट नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट अ रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट? श्योर सर श्योर राइट। दूसरी चीज जो रिमार्केबल है कि जब यहां पे और यहां पे आपको ये दिख रहा है तो यहां पे भी वॉल्यूम बढ़ा है राइट, और ये वॉल्यूम इसके लो से बढ़ा है, इस वाले लो से। देखिए इसके नीचे गया, रिजेक्ट हो गया और ऊपर आ गया राइट, यस करेक्ट। तो यहां पे हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये इसको भी तोड़ गया है और इस सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी बना गया राइट, यस। One is this, and the second reference is this, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लेवल यहां था ट्रेड करने के लिए, okay? दूसरा लेवल इसके ऊपर है। अभी आपको यह ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने, ये तो सपोर्ट कैंडल थी ना ये वाली, और ये रेजिस्टेंस कैंडल थी, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया राइट करेक्ट, इस वाली जगह पे इसमें ट्रेड अब बनता है ओके। तो ये वाली जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाली, डोंट गेट डैजल्ड
एज आई ऑलवेज से कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होना चाहिए. डोंट गेट डैजल्ड बाई दिस मूव कि मैं इसको कैसे पकड़ लेता. इसको पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये देखना है कि ये ऊपर टूटा है ना. और वॉल्यूम्स देखिए, इमेंस वॉल्यूम्स है, जबरदस्त वॉल्यूम्स है, राइट? अब अगर तो इसका मतलब इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है. सर ये नीचे वाला लेवल में है, ये यहाँ देखो ना, यहाँ सपोर्ट बढ़ा है ना, ये वॉल्यूम बढ़ा है ना, इन दो के बीच में वॉल्यूम बढ़ा है. और आपको ये नहीं लग रहा है कि ये इसके नीचे गिरा था, गिर के पलट के घूम के ऊपर आ गया, राइट? इस वाले लो के नीचे गया था, नीचे आकर के ऊपर आ गया. जब ये ऊपर आ गया ये कंटिन्यू हो रहा है ना, देखिए. और इस वाले कैंडल लेवल के बहुत ऊपर चला गया, राइट? तो इसका मतलब ये जो लेवल है, ये वाला जो पूरा कैंडल है, ये एक सपोर्ट कैंडल है. आप ये भी बोल सकते हो, लीजिए, ये जो पूरा कैंडल है एक सपोर्ट कैंडल है, ठीक है? पर एक बड़ी मूवमेंट इसमें तब आएगी जब ये इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस था ना यहां पे, इस वाली जगह पे, इस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट किया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल चुका है, राइट? रेजिस्टेंस का सपोर्ट में बदल जाना मजाक नहीं है, राइट? अब देखिए इस वाले हाई को, जिस कैंडल पे आपका रेजिस्टेंस बना है, जो रेफरेंस कैंडल है, उस हाई को भी ब्रेकआउट करके हैवी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा चुका है, राइट? यस, करेक्ट. जब ये वाला काम हो रहा, मतलब नाउ इट हैज, सिंस इट हैज ब्रोकन आउट, इट मींस व्हाट, कि अभी ये जो भी रिट्रेसमेंट लेग चल रहा है उसका आउटकम ऐसा हो सकता है ना, इस तरीके से, इस वाले तरीके से, राइट? ठीक है. तो दिस इज द नियरेस्ट सपोर्ट. यहां पे आके मैं इसको देखूंगा कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है. अगर ये पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो एक लॉन्ग ट्रेड लगा के 2% निकाल लूंगा, खत्म हो गई बात. ओके ओके, राइट. अब ये वाला एरिया देखिए आप, यहां पे भी तो वॉल्यूम बढ़ा था और इसका लो टूटा था. यस सर, ये भी तो एक रेजिस्टेंस था, ये भी टूट गया है ना ऊपर, राइट? अब अगर ये भी टूट गया है तो इसका सपोर्ट यहां बनना चाहिए, राइट? इस वाली जगह में, इस ऊपर वाली विग में. अब आपको समझ में आ रही है ये चीज? ये अभी भी इस लेग को रन करने के लिए तैयार नहीं है, ओके? रादर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये देखो अभी दिखाता है आपको. ये अगर रेजिस्टेंस है, अब इस लाइन को हटाता हूं जिसको इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये भी गया ना इसके नीचे वाली. क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? ठीक है. अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से हायर हाई की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है या फिर ये हायर लो बनाना शुरू कर देता है, मान लेते हैं सर, इंडिकेट कर रहा है ना, कुछ कुछ बता रहा है ना, ठीक है. और इसका टारगेट लेवल कहां होगा? ये वाला हाई 2891. 2891 तो मैं ट्रेडेबल है ना. 2891 का मतलब 4-5% की बात हो रही है ना. मुझे तो 2-2.5% भी मिल जाएगा तो मेरी तो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना. तो आई विल कीप माई ईयर्स एंड आईज ओपन, ठीक है. तो इस तरीके से आपको लेवल्स मिलते हुए चले जाएंगे, आपको बस उन्हें आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते चलना है. Yes. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम. हेलो. हाँ जी सर. JSW आपने दिखाया था ना, और डे इसमें 5 मिनट्स में, हाँ, वो नीचे जब भी सपोर्ट में आया था ना, नीचे लोएस्ट कैंडल बनाया था उसने,
1:15 शायद। हाँ ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हम चेक करते ना, उसके बाद अगर एंट्री लेना है तो उसका वॉल्यूम ब्रेक करना पड़ेगा ना, लेकिन वो पहले आगे गया तो कैसे तो एंट्री देखिए, होगा उधर? आपको ये देखना है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहां से ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल के अंदर घुस रहा है, इस वाली जगह से मान लीजिए। ठीक है, तो अब अगर ये एक इंपॉर्टेंट एरिया में घुस रहा है, तो यहां से अगर बाउंस बैक करना है तो ये सिम्टम्स दिखाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए, यहां पे ये वॉल्यूम है इसका, राइट? ये वॉल्यूम टूटा और इसने तो लो बना दिया, एक नया लो बना दिया। पहला करेक्ट। लो यहां पे था, दूसरा इसने एक सेकेंड लो बना दिया। अब अगर इसने ये सेकेंड लो बना दिया, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, राइट? बट इसको मत भूलिए कि अगर इसने एक नया लो बना दिया है, तो अब तो ये किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाने वाला ना, अब तो ये नीचे ही गिरेगा ना, अब तो इसके ऊपर जाने की संभावना है ही नहीं, अब तो ये नीचे गिरना चाहिए। अगर ये नीचे गिरना चाहिए, तो आप ये देखिए कि इस एरिया में आने से पहले रेजिस्टेंस कहां फॉर्म किया, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस यहां पे है क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, एक रेजिस्टेंस यहां पे भी है क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, राइट? 1230 पे ये है, एक रेजिस्टेंस यहां पे भी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक रेजिस्टेंस आपका यहां पे है। अब अगर ये इसको ऊपर जाना है, तो आपको यहां पे ट्रेंडिंग पैटर्न नजर नहीं आ गया? करेक्ट करेक्ट। मतलब इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते ना एक जोन में, राइट? अब अगर ऐसा हो रहा है, ये टूटा है, अगर ये टूटा है, किसी भी हालत में इसको इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये तो निकल लिया ऊपर, ये देखो। ये तो ऊपर निकल लिया, ये वाला जो ट्रेंडिंग जोन बना है, ये तो इसको तोड़ते हुए दनदनाते हुए ऊपर चला गया। तो ये आपके सिम्टम्स हैं, या तो आपको वो वॉल्यूम से इंडिकेट करेगा, या फिर वो एक ट्रेंड बना करके इंडिकेट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज गोइंग टू शो यू समथिंग दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर करेक्ट सकते हो। तो यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न आपको दिखने लगा, राइट? यहाँ पे आपको वॉल्यूम जब टूटा तो लो बना दिया, जबकि इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मतलब इसे एनालाइज। यस सर, थैंक यू। Just give me about 5 minutes, I'll be back.
All right, friends, I'm back. गिरीश, मेरी आवाज सुन रहे? गिरीश, कैन यू हियर मी? गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर, गिरीश, आपका आवाज आ रही है मेरी? सर गिरीश आपको भी रिप्लाई नहीं करते हैं, ग्रुप में कुछ उनको सपोर्ट के लिए कुछ मैसेज आए तो वो भी रिप्लाई नहीं करते। गिरीश, दो तीन बार उनको रिक्वेस्ट किया लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दैट इज हिज पर्सनल प्रेफरेंस, तो उसमें हम ही कुछ शुड टेल यस ऑन दैट्स इट। हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, एवरीबॉडी एवरीबॉडी सपोर्टिंग एल्स हिम, कोई बात नहीं, हो सकता है उसका वर्क शेड्यूल उस तरीके का हो तो वो बात अलग है। तो और एक अच्छी रिक्वेस्ट था कि गो टू मीटिंग का सर हमें कुछ आईडिया वगैरह आप दे सकते हैं आपस में डिस्कशन करने के लिए। आपका टीम चल नहीं रहा है काम? इसे टीम व्यूअर, टीम व्यूअर में वो मेंबर्स का लिमिटेशन है ना। हाँ, आप कितने मेंबर्स हो? सर 7 to 8 हो जाएंगे मिनिमम। कितने? 7 to 8। हाँ मिनिमम। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन। अच्छा, फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि जैसे यह हमारा इंडेक्स है, तो इंडेक्स जो है वो अगर हम देखें 19, 20, 22, 25, 22, 21, 25, 26, ठीक है, तो इंडेक्स जो है वो अपने वीकली रेंज के ऊपर क्लोज हुआ था। यस सर, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर्स एंड स्टॉक अपने वीकली लोस के आसपास में है, या तो वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ, या फिर जो स्टॉक्स या सेक्टर्स आई एम सॉरी या फिर मार्केट अपने आप को नीचे गिरा देगा, राइट? यही हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो क्योंकि अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि द वीकली परफॉर्मेंस इज टू स्ट्रांग, क्योंकि आप अगर देखें तो ट्यूसडे को इसने करंट वीकली हाईस को भी ब्रेकआउट कर दिया, राइट? तो विच मींस कि द लाइकलीहुड कि जहां पे वीकनेस प्रिवेल कर रही है, जहां पे शॉर्ट्स बने हुए हैं, वो शायद सस्टेन ना कर पाए, राइट? तो ऐसे स्टॉक्स ऐसे सेक्टर्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, राइट? देयर इज वन स्टॉक व्हिच इज से HDFC बैंक। जो अभी तक रैली में कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, राइट? अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो कहीं यहाँ पे था, राइट? इस वाले जगह में था,
इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम बढ़ा है राइट, और उसके बाद इस वॉल्यूम को तोड़ते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने इसको सपोर्ट में बदल दिया इस वाली लाइन को, यस सर राइट। तो ध्यान रखिए, आज मैंने HDFC में एंट्री किया था लेकिन वो फिर वो वही रेंज में घूम रहा था आज। हाँ, तो इसमें आज एक क्या बोलते हैं उसको, बुलिश ओपनिंग हुआ नहीं राइट, साइडवेज ओपनिंग था। तो मेरी जो लाइकलीहुड है, क्योंकि इसमें रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा वीक है, क्योंकि इसमें जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है वो यहाँ पे बनता है, ये 2126 के आसपास। तो 2126 इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस एक्चुअली राइट। तो मैंने सभी को यही एडवाइस किया है कि इसको थोड़ा सा आप वॉच करें, अगर ये सपोर्ट लेवल्स पे आता है, क्योंकि यहां से ये वाली मूवमेंट इज ल्यूक्रेटिव, क्योंकि ये एप्रिसिएबल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 40 रुपीज के आसपास का राइट, तो विच इज रफली 2% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। तो इसको इस समय ऊपर से ट्रेड ना करके, इसको अगर हम नीचे से अगर हमें एंट्री मिल जाए इसमें, तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पर इसको रडार में रखिए, इसको मतलब थोड़ा आपको देखते रहना है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो। आज मैंने SBI को शॉर्ट किया था। ओके, अभी थोड़ा लग रहा था ये गिरेगा। हाँ, शॉर्टिंग थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, मेरे को लग रहा था वो नीचे आने वाला है, तो मैंने किया और सक्सेसफुल हो भी गया। और अगले टाइम एनी अदर क्वेश्चन सर, आप रिलायंस की कुछ बात कर रहे थे ना आज। रिलायंस में क्या हुआ कि ये देखो, रिलायंस जब गिरना शुरू हुआ था इस एरिया से, इस वाली जगह पे वॉल्यूम बढ़ा के गिरा था राइट, मतलब एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था इसने, ये जो 1270-72 का लेवल है ये इस वाली जगह पे। और अगर आप देखो तो यहां से जब ये गिरा था, एक लो वॉल्यूम पे गिरा, गिरने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे गिर गया राइट, और हायर वॉल्यूम से गिरा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कंफर्म हुआ इस वाली जगह पे राइट। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये कल ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज से राइट, पर आज जब ये ऊपर गया है ना, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करा है, हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है नो डाउट, पर ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये हूबहू JSW स्टील से मैच करता है। तो इसमें एक इमीडिएट शायद बाई पोजीशन, अनलेस कि मतलब ये इस सपोर्ट मतलब इस वाले एरिया के ऊपर खुले कल, अनलेस ऐसा कुछ हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाई पोजीशन एकदम से वर्कआउट करने वाली है। यस सर,
ठीक है, क्योंकि इसने एक फ्रेश वो लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एक दो दिन, उसके बाद मूव कर जाए। सर इसने वीकली सिग्निफिकेंट लेवल पे भी सपोर्ट बनाया था आज। जी सर। हेलो सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। सर आज मैं अडानी पोर्ट में लॉन्ग ट्रेड किया था। एक्चुअली मैंने 1.5% उसमें प्रॉफिट कर लिया, लेकिन वो अचानक ही बाद में वहां से जो कोलैप्स हो गया, तो मेरे जो एंट्री लेवल को उसको भी तोड़ गया। ऐसा क्यों हो जाता है सर उसमें? अदानी पोर्ट के पास एक रेजिस्टेंस है 350 पे, देखो अदानी मैं थ्री फोर थ्री अदानी फोर पोर्ट नाइन अदानी पोर्ट पे एग्जिट यहाँ जाएगा, इसका अनुमान हमने इस दिन पे लगाया था, इस वाले दिन पे। ठीक है, अब देखो ये गया। रिवर्स क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये एक बहुत बड़ा गैप डाउन हाई वॉल्यूम डे था। यहाँ पे देखिए, इस दिन पे ये गिरा नीचे, एक लोअर लो लोअर हाई जो भी फॉर्मेशन किया, यहाँ पे हायर हाई हायर लो नहीं बना, ये देखिए राइट। तो हाँ सर, हमको काफी उम्मीद थी इससे कि अब ये इस वाले लेवल पे जाएगा, ये जो 340 के आसपास का लेवल है ना, इस वाले लेवल पे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर का जो अंडरराइटिंग लेवल होता है वो 350 का है। सर ओके, तो ये जो 350 का लेवल है ये बहुत क्रूशियल है, इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा हमको नहीं मालूम। अब अगर आप देखें तो इस वाले दिन पे इसमें बुलिश अलाइनमेंट भी हुआ था ना, सर इसको ट्रेड करने का दिन ये वाला था। अच्छा अभी हमें इसको वॉच करना है बस, क्योंकि ये देखिए इसने इस वाले इसी वाले लेवल पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया है ना। सर तो ये कैंडल वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स, याद कीजिए टाटा मोटर्स, जीप एंटरटेनमेंट, ये जो जिनमें हमने ट्रेड्स लिए थे लॉन्ग राइट, ये हूबहू वही ट्रेड थी, पर ये ट्रेड इस वाले दिन पे थी, मंगलवार को। अच्छा ठीक है, तो ये मंगलवार को थी, ये आज नहीं थी, आज तो ये इसके लेवल के ऊपर था। अब ये अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक लिक्विडेशन गैप है, इसने गैप फिल कर लिया अपना। अच्छा ठीक है, इसने अपना ये गैप फिल कर लिया, इस वजह से आपको परेशानी हुई। सर, उसमें तो 1.5% में तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया हाँ नहीं ठीक है, विच इज उसमें। ओके, पर आपको क्योंकि अगर इसमें अगर देखो मेरे जैसा ट्रेडर है वो तो बैठा रहता है ना जब तक कि सॉलिड कोई इंडिकेशन ना हो, है ना, मेरे में तो वो पागलपन भी है थोड़ा सा, तो मुझ जैसे आदमी को तो नुकसान हो जाएगा ना इसमें। अगर इसमें अगर सर कल अगर इसमें ट्रेड कर रहा हूं, तो ये तो कल मेरे ख्याल से नीचे ऊपर हो सकता है, लगता है ठीक है, अभी आप इसको इसके देखें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस वाले लो से ऊपर गया था। देखिए इस वाले सर लो सर पे इसने एक सपोर्ट बांधा, वॉल्यूम वीक था, वॉल्यूम वीक था, वॉल्यूम वीक था, वीक स्ट्रांग राइट, ये वाली जगह पे वॉल्यूम स्ट्रांग हुआ इस वाले सर एरिया में राइट। तो अगर ये वॉल्यूम स्ट्रांग हुआ है तो इसका सपोर्ट कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ना, सर तो है तो ये सपोर्ट पे ही, ये देखिए यहां पे सपोर्ट फॉर्म हुआ ना इसका, इसका सर मतलब है ये वाली विग है राइट। अब ये क्या करना चाहिए अगर इसको यहां से ऊपर जाना है, मतलब इस वाले एरिया से, तो ये इस कैंडल की बॉडी में आएगा। अच्छा ठीक है, इस वाले कैंडल की बॉडी में आकर के रिजेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अदरवाइज ये गिर के नीचे क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट बना है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अच्छा ठीक है,
तो अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, इसका मतलब है कि ये वाली जगह होगी फिर, इसलिए बता आएगा राइट। फिर ये इस वाले लेवल के नीचे जाके ऐसे करके आना चाहिए ऊपर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। तरह जिल गिरा है, मतलब बहुत ज्यादा है करके, तो सपोर्ट पे ही शायद आ गया हो। हाँ देखते हैं, अच्छा एक मिनट पहले यहां से देखते हैं। हाँ तो जिल कोई खास फॉल नहीं है ये, राइट? मतलब ओवरऑल मार्केट के हिसाब से तो कोई खास फॉल नहीं दिख रहा है, पर एक बार चेक करते हैं। तो एनीवेज ये तो खैर इस वाले एरिया से था, तो इसने इसको इस वाली जगह से, मतलब ऑफ लेटली जो भी हुआ है वो इस वाली जगह से गया है ना, यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ठीक है? तो अभी तो सपोर्ट पे ही चल रहा है। हाँ अभी तो सपोर्ट पे ही चल रहा है ये, ठीक है? तो अभी अगर ये सपोर्ट पे चल रहा है तो भूलना मत कि इसमें लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, ठीक है? ये सब बेसिक है, राइट? तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा है कि अब इसने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहां पे किया है, इसका मतलब कि यहां से एक कैंडल दंदनाते हुए इससे भी ज्यादा वॉल्यूम से इसको सपोर्ट में बदल देनी चाहिए, फिर ये ना ऊपर जा पाएगा, राइट? कंटिन्यू कर पाएगा अपने इस लेग को, करेक्ट? राइट। तो अदरवाइज आपके लिए जो सेफेस्ट, अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहें तो आपको जो सेफेस्ट एरिया होगा वो इस वाले कैंडल के लो के नीचे होगा, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो आप इस कैंडल के अंदर भी हो, इसके लो के नीचे भी हो, और मतलब सारी परिस्थिति आपके फेवर में है, राइट? फिर अगर यहां से वॉल्यूम बढ़ के ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, आपको यहां पर निकल जाना है अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो, ओके ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ठीक है? ये वाली जो जगह है ये रेजिस्टेंस की है, ओके ओके, आज जरा पॉइंट क्लियर हो गया, या थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एक्सेलेंट। आप में से आई नो कि काफी लोगों ने आरएसवीपी शायद कर दिया है, तो जस्ट टू लेट यू नो आई विल बी इन अहमदाबाद इन अप्रैल 7 तारीख। यस सर। हाँ सर, ठीक है। तो सर अभी वो अपना 2020 हो गया है, तो अभी क्या करना है? बताए तो आपको मूव करना है ना, कर दिया आप? हाँ, आपको मूव कर दिया है यहाँ पे, आपको ब्लॉक ऑफ वन चालू करना है, मतलब 500 या 1000 रुपए से आप काम शुरू करो, जो भी मैंने ब्लॉक वन में बताया था आपको वो शुरू करना है। हाँ, 1000 डिवाइड बाय 2, और आपको आपका डेट भी मैंने कल का डाल दिया है, 7 तारीख का, आपका रमेश शांतनु सबको 7 तारीख में डाला हुआ। और सर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है अभिषेक का, वो काफी ब्रिलियंट व्यक्ति है और मैंने उसका एनालिसिस भी देखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मगर वो कभी कभी थोड़ा सा घबरा जाते हैं बस। मैं तो उनका एनालिसिस मुझे बहुत पसंद है, उनका जो व्यू पॉइंट है, उनका जो स्टडी है बहुत बढ़िया है, एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ स्मार्ट चैप। हमेशा याद रखिए एक चीज को, सक्सेस स्टार्ट्स विद अ फेलियर, ठीक है? तो इसको कभी भूलना नहीं, राइट? तो फेलियर इज द
फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। रवि का पहला ट्रेड, रवि के बारे में सुना है ना आप लोगों ने सबने उसका वीडियोस वगैरह? यस सर, वेरी यस सर। रवि को जो पहले दिन डांट पड़ा था ना, आप में से आज तक किसी को नहीं पड़ा है ठीक है, तो मतलब जो फेलियर होता है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। व्हाट यू शुड नॉट लूज इज डिटर्मिनेशन। इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं विच इज रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आर कॉमन सेंस। ठीक है ना, तो अपने कॉमन सेंस को निखारना है और कुछ नहीं करना है इसमें ठीक है, तो ही विल फाइंड हिज वे। अभिषेक इज अ स्मार्ट बॉय, बाकी हम लोग तो है ही बैठे हुए हैं। सर अलोंग विद यू एवरीबॉडी सपोर्टिंग, सब मदद करेंगे आपका, डोंट वरी, आपको छोड़ेंगे नहीं हम रास्ते में। थैंक यू सर। ठीक है ना, यू शुड नॉट गिव अप। बाकी ये सब क्या है, यही चीज तो हम रोज, मैं एक ही बात करता हूँ आप सबसे, एक ही सपोर्ट, एक ही रेजिस्टेंस, एक ही चीज बोलता हूँ रोज, राइट? एक्चुअली मैं कुछ अलग नहीं बोलता हूँ मैं वही बातें दोबारा दोबारा करता हूँ यस सर। ठीक है ना, तो वी आर जस्ट हमेशा ये मान के चलिए हम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉमन सेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन कॉमन सेंस मेरे हमारे काबू में आ गया ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप देखो महीने का 10-10 ट्रेड करते हुए चलना, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे एक साल। मतलब अभी क्या चल रहा है, ये मार्च है ना, अभी मार्च 2019, मार्च 2020 में यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, बहुत फर्क आ जाएगा आपने। ना, तो वो एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ चला जाएगा आपके अंदर से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्टॉक 20% ऊपर चला गया, आपने उसमें पोजीशन बनाया था या नहीं। आपको बस इस चीज से मतलब है कि मैं एक मेथड, एक स्ट्रक्चर से काम करता हूं, मेरा काम ये है कि मुझे महीने का 10 ट्रेड करना है, 20 ट्रेड करना है, 25 ट्रेड करना है, जो भी करना है मैं उसको इस तरीके से करता हूं और उससे मैं अपने टारगेट्स को अचीव करता हूं। बस उसको अपने प्रैक्टिस कर करके कर करके उसको पॉलिश कर करके एकदम मतलब ब्लड में घोल देना अपना। ठीक है ना, तो आई शुड ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट पीपल कि मतलब देखिए मेरे को तो अपने जीवन में ये सब करने में 5-5 साल लग गया। ठीक है, आप लोग जब मतलब जो ट्रेनीज आते हैं, मतलब आई फील समटाइम्स अमेज्ड कि आप लोग 2-3 महीने में करके निकल जाते हो तो मतलब यस सर, विच इज कमेंडेबल। मतलब मैं कहूं तो आपका परफॉर्मेंस मेरे से हाँ ना करके 2,000-3,000 गुना अच्छा है। नेवर सर, नेवर। आपको हमारे जैसे गुरु नहीं मिला रहेगा सर, ये सब आपकी मेहनत का फल सर। हाँ जी सर, यस सर, गुरुजी गुरुजी होते हैं। नहीं वो ठीक है, चले चले ही रहेंगे मैं तो फैसिलिटेटर हूँ और तो क्या। हेलो सर, सर आज डॉक्टर रेड्डी का थोड़ा काइंडली देखिएगा। इसको आप छोड़ दीजिए, आप लॉन्ग भी नहीं कीजिए, शॉर्ट भी नहीं कीजिए सर। ठीक है, कुछ दिनों के लिए इसको रेडार से बाहर रखिए। उसका रीजन ये है कि लेट इट ब्रेक दिस लेवल, इस लेवल को टूट जाने दीजिए। वैसे भी डॉलर सिचुएशन इज नॉट गुड, तो अभी ये थोड़ा खतरनाक होगा, ये जो फार्मा वाला सेक्टर है ना, अभी लॉन्ग करना थोड़ा खतरनाक होगा और शॉर्ट हम करेंगे नहीं। बिकॉज आज के 5 मिनट का कैंडल थोड़ा दिखेगा।
कि ओपनिंग तो ठीक ठाक ही लग रहा है इसमें। बस उधर जाके अगर आप वेट करते हैं तो ज्यादा ये के लिए उधर फंस जाने का चांस था ना। क्योंकि अभी उतना वो नहीं है, ये आपका सपोर्ट एरिया था, ठीक है। अच्छा ये वाला सपोर्ट एरिया था आपका, तो पर अभी मत कीजिए इसको। एक तो देखिए ये स्टॉक रन अप भी कर गया है, क्योंकि फार्मा एनर्जी के जो छोटे स्टॉक्स थे और मेटल, ठीक है, इन्होंने ही मिलके, क्योंकि बड़ा स्टॉक तो कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, रिलायंस तो अब मूव किया है, एचडीएफसी बैंक शायद अब करेगा मूव, राइट, अच्छा ठीक है, आईटीसी भी लास्ट 2 दिन में मूव किया है, पर फिर भी ये मार्केट कैसे ऊपर चला गया? क्योंकि ज्यादातर जो छोटे स्टॉक्स थे उन्होंने मिलके मार्केट को ऊपर पुश किया है, अच्छा मतलब यहाँ पे क्वांटिटी गेम हुआ है। क्वांटिटी गेम का मतलब है कि जो स्मॉल कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स थे, क्योंकि वो सभी के सभी ऊपर जाने लग गए, इस वजह से मार्केट ऊपर चला गया। राइट। अदरवाइज आप तो अगर इसको टॉप क्या कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स को देखोगे तो वो ऊपर नहीं ब्रेक हुए थे। तो फिर सर क्या इसका रिट्रेसमेंट का इंतजार इसमें करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट ना। होगा अभी, हाँ ये पूरे फार्मा सेक्टर में ही आई एम एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट होगा। इस समय जो देख करके मुझे लग रहा है वो लुपिन लग रहा है, कि सर लुपिन अगर फिर भी मुझे ट्रेड करने को मिल जाए तो उसमें मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वुड बी अप्रिशिएबल, ठीक है ना। ठीक तो आईटीसी में आज गैप अप होगा ना, वो कहीं भी लास्ट लास्ट में पूरा वो नीचे आ गया। पर ठीक है, वो उसका क्लोजिंग तो अच्छा हुआ ना, ये देखो ना, क्लोजिंग वाज वेरी गुड। आईटीसी हमने कब बोला था कि इट इज बाई, इसको बेच नहीं सकते हम, इसको खरीद तो सकते हैं पर बेच नहीं सकते, है तो यहां से एक्यूमुलेशन शुरू हुआ था। देखिए अब जाके ये मूव हुआ है, इसका जो एक्सपेक्टेड ये रहेगा वो करीब इस एरिया में रहेगा कहीं, तो वी आर गनिंग फॉर 290 टू 295 लेवल्स इन आईटीसी, तो लेट्स सी, देखते हैं। सर ट्रेड में एक्सपोजर लेना है वो 10 टाइम्स ही लेना है ना। अभी 10 टाइम्स रखना है आपको, वो ब्लॉक 3 में बढ़वाऊंगा थोड़ा सा, ओके सर, ओके ठीक है। ब्लॉक 3 सर। में जब जाएंगे तो थोड़े से मॉडिफिकेशंस हम करेंगे। ब्लॉक 3 जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपको पैसा कैसे मैनेज करना है वो एब्सोल्युटली मतलब आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ओके सर। और एक सर सवाल था, ये हाई मोमेंटम जो ट्रेड होते हैं ना, मतलब 1 मिनट पे, सर उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अगर ट्रेड करना है तो मतलब। देखो आज का जो दिन था, राइट, आज हाँ का दिन वाज वेरी गुड फॉर हाई मोमेंटम ट्रेड, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आज मार्केट का जो ओपनिंग था वो ट्रेंडिंग था, हाँ राइट, ठीक है, तो गैप होता है। ट्रेंडिंग और हमारे मार्केट के लेग के डायरेक्शन में था, मतलब अगर वो मतलब गैप अप हो रहा है ना और लेग भी अप वाला है तो इस वाले डायरेक्शन में था, तो टुडे वुड हैव बीन अ बेटर डे टू डू अ हाई मोमेंटम ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पर हाई मोमेंटम ट्रेड में पहले 5 मिनट का सॉरी पहले 1 मिनट का लो सैक्रिफाइस नहीं हाँ होना चाहिए, ठीक है। तो आज कल की रिलायंस की ट्रेंड में वो अपने बॉक्स बनाया था, थोड़ा वो भी दिखा देना। तो ये जो लो देख रहे हो ना आप, ये लो हाँ सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। हाँ, सर यहाँ पे हो गया ना, मतलब यहाँ पे हो गया तो ये हाई मोमेंटम ट्रेड नहीं है, आपने देखा ना रिगड़ रिगड़ के चला है ये,
हाँ मतलब इट टुक गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गो वेयर इट वॉन्ट्स टू गो, अच्छा अब वहीं पे अगर आप मान लीजिए कि वीडीएल को उठाते, ठीक है, अब देखें, अब वीडीएल देखो, ये जो है ये एरिया, ठीक है, अब इसमें जैसे ही रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ, लो तोड़ दिया, ये भी हाई मोमेंटम ट्रेड नहीं है, ठीक है, तो ये मिलना सर बहुत फर्स्ट जरूरी है। फर्स्ट मिनट का हाई तोड़ा था ना इसने वीडियल में, फर्स्ट मिनट का जो कैंडल था हाई वो थोड़ा है, तोड़ा था। हाई थोड़ा है, हम हाँ लो की हाँ बात कर रहे हैं, लॉन्ग जाना है ना तो लो नहीं टूटना चाहिए, वो तो रेजिस्टेंस तो फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये आईटीसी है, हाँ ड्रिफ्टिंग हाँ डाउन, ठीक है, अब मान लो कोई और खोल लो, इन्फी, तक वेट करना चाहिए लो नहीं टूटने का। सेकेंड रेजिस्टेंस, 1 मिनट पे, सेकेंड रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन तक लो नहीं टूटना चाहिए। ओके इन्फॉर्मेशन ठीक है, सर इंफ्राटेल था शायद। हाँ हो सकता है इंफ्राटेल होगा। अभी सेकेंड रेजिस्टेंस आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखो, अब जैसे मान लो ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है, ये इंट्राडे हाई के ऊपर है ना, अब इसमें सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, यस सर ठीक है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद हाँ हुआ है सर लो नहीं टूटा ना, हाँ लो नहीं टूटा। यहां पे सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये सेकंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन तक आपका ये लो नहीं टूटना चाहिए, दिस लो शुड नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे वाला। एंट्री कहाँ पे होगी, मतलब अगर मुझे डी एंट्री लेना है तो। अगर आपको एंट्री लेना है तो आप सेकंड रेजिस्टेंस पे एंट्री कर सकते हैं, और आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। अभी आप इसमें देखो, ये जो 1 मिनट में ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ ना कल का, हाँ यस सर ठीक है, ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है आपका वो इस वाले पे हुआ है, यस सर इस वाले इसमें हुआ है, दिस एंड दिस, ठीक है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो आपको ये देखना है कि अगर इसके ऊपर इंट्राडे का हाई बना देता है, मतलब क्लोजिंग हाई, तो हो गया, मतलब इट इज बुलिश, मतलब ये इंट्राडे हाईस को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हाँ फ्रेश फ्रेश हाई बना दिया ना, मतलब जो भी यहाँ पे जहां पे भी हाई था इसका पिछला, ठीक है, इस वाली जगह पे, राइट राइट सर तो इसने इसको बना दिया, ये देखो सपोर्ट आ गया, मिल गया इसको, तो लॉन्ग जा सकते हैं मतलब। ठीक है, ओके उसी तरह से ओके अगर शॉर्ट होता तो ये इंट्राडे का लो तोड़ते हुए वहां से निकल जाता, तो ऐसे बनता, ठीक है सर थैंक यू ठीक है। सर थैंक्स सर। चलिए बहुत बढ़िया है, सो वी शल मीट वो ऑन रिलायंस फ्राइडे। का रिलायंस का बॉक्स बताएंगे, बॉक्स कैसे बनाएगा? सॉरी, क्या? आज के ट्रेड में आपने रिलायंस का बॉक्स बनाया था। अच्छा, सॉरी, मैंने एक्चुअली देखो रिलायंस में, रिलायंस में ये
ये वॉल्यूम बढ़ा था ना यहाँ पे इस वाली जगह पे, और ये जो टूट रहा था ये वाला जो एरिया टूट रहा था राइट, ये एरिया मैंने मतलब ये लो वॉल्यूम्स पे ब्रेक हो रहा था, देखिए ये वाली एरिया, दिस इज व्हाट आई हैड ड्रॉन, ये वॉल्यूम बढ़ा है ना यहाँ पे इस वाली जगह पे, मैंने इसके लो से, ये जिसने इसके लो को तोड़ने की कोशिश करी लोअर वॉल्यूम से, मैंने उतने को ड्रॉ किया है, इसका जो लो है दैट इज 1244, एंड व्हाट वाज माय एंट्री, 1244, ठीक है, सो थर्ड कैंडल ने भी लो तोड़ा था, हाँ ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बता रहा था ना मुझे, मैंने तो एंट्री को यहाँ कहीं बनाया था इस वाली जगह पे, मैंने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया ऐसे, तो ये लोज ब्रेक करने लगा, इसने इससे भी डीपर लो बनाया, यहाँ पे हायर आई हायर लो नहीं बना, यस यस राइट, यहाँ पे हायर आई हायर लो बना, तो फिर मैंने ये देखिए इस वाले लो से रिवर्स किया, जब इस वाले लो के नीचे चला गया ना, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया कि अगर ये यहां से ऊपर गया तो मैं बाई पोजीशन में आ जाऊंगा, ओके, इस वाले पोजीशन, मतलब देखो जब ये इस वाले लो को तोड़ के निकल गया है तो अब तो गिर जाना चाहिए ना नीचे, ऊपर ऊपर क्या कर रहा है ठीक है, तो मैंने उस समय पे पोजीशन बनाया था, मैंने एक्चुअली इस वाले कैंडल पे पोजीशन बनाया, और मैंने पोजीशन को ऐसे बनाया था कि पहले ये लो टूटा था, उसके बाद जब ये वापस आया था तब पोजीशन बनाया था मैंने, ओके ठीक है सर, सो फाइन, सो सी यू ऑन फ्राइडे, राइट सर, थोड़ा वो गो टू मीटिंग का ध्यान कर लेना, हाँ मैं ध्यान रखूंगा, कल देखता हूँ मैं क्या करना है, ठीक है, ओके चलिए, ओके थैंक यू, बाय बाय, ओके थैंक यू, ओके गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट सर, गुड नाइट।